हम जैसे हम इधर से रेले लेके गए हैं बंदे की इकट्ठी हो करके कंपनी के पास पैसे लेने के लिए, यहाँ पे धरना टेका है। धरना टेक हम कब तक इंतजार करते रहे मालिक के, नहीं निकल पाया, हम्म, नहीं तो बैठे रहे इंतजार करते करते हमें 1-1.5 घंटा हो गया ना। 1-1.5 घंटे हो गए, कुछ किया कि गुंडे आए थे ना पे, 3-4 थे, ये भी आ गए। कुछ हमारे क्या बात हो गई, हमने बता हमारे पैसे फंस रहे हैं लेने के लिए आए हैं, मालिक निकल रहा ही नहीं अंदर से, ये तो खड़े हो गए ना पे। कोई बात, फिर आधे घंटे बाद पुलिस वाले आए 4। ये आते ही हमारे लीडर को, जो लीडर थी हमारी, इसको आते ही पकड़ लिया, मारने लगे पुलिस वाले। हम्म, फिर हम भी छुटाने लगे, इन्होंने हत्या पाई, सबके पास करा, गोली चलाई, सब कुछ करे, फिर हम भी बचावट करके निकलना था इधर से। दीदी ने कई लड़के भेजे थे, वो भी गए, सूरज था और कई अंकल लोग थे, उनका नाम तो नहीं जानते हैं, पर वो गालियां देके भगा दिया। गार्ड भी बोला मेरा क्या कर लोगे, मालिक का जो भी करना है तुम करके दिखाना, पुलिस लाओ चाहे कोर्ट कचहरी वकील कुछ हम भी ही कर लो, रहते पैसे नहीं देंगे, मेरा मालिक को भी तुम जानते नहीं हो। तो हैं। दीदी ने कहा किसी दिन चलेंगे, दूर है फैक्ट्री, तो इस वजह से दीदी मेरा तबीयत खराब हो गया। इधर हम फिर अपना देखभाल करने हॉस्पिटल जाने को पड़े दिन, तो फिर मैं नहीं दीदी के पास जा पाए। तो अच्छा। दीदी का एक दिन फोन आया था, जब जिस दिन दीदी गिरफ्तार हुई, तो मैं कहा दीदी मेरा बहुत तबीयत खराब है, मैं उठ ना पाऊंगी, तो ऐसा करो तुम ही आज सबका पैसा दिला के ले आओ। तो अच्छा, तो मुझे आ बाद में पता चला, कल पता चला कि दीदी गिरफ्तार हो गई, लेकिन वो तो निर्दोष है, बेकसूर है, उसको छोड़ देना चाहिए। जी हम लोग मजदूर का संगठन जो कार्यकर्ता है, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं ना, जो मजदूर है यूपी बिहार से, मजदूर जो कमाने खाने आते हैं, अपने पेट पालने के लिए आते हैं, उनके लिए हम हक की लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए उस दिन एक अंकल थे, तो उनको हम पैसे दिलवाए गए थे 3 3 3 3 3 नंबर थे, या तो 4 11 मेरे को नंबर, फिर उसमें हम लोग पैसे दिलवाने गए। 30 मार्च से हम लोग मांग कर रहे हैं, 30 मार्च से बात करने के लिए हम लोग वहाँ घंटों से बैठे रहे, धरना दे रहे, पर मालिक बाहर नहीं निकला। तो उसके दर उसके एक 1-1.5 घंटे बाद उन्होंने गुंडे बुलवाए कि आए कि गुंडे क्या आए क्राइम मिनिस्टर टीम, हम लोग गुंडे बुलवाए। फिर उसके बाद आज करीब आधे आधे घंटे गुजरने के बाद हम लोग धरना देते रहे, उसके बाद पुलिस आई, कुंडली पुलिस, तो वो सीधे आते हैं, जो बहन साथी नवदीप कौर हमारी बहन थी, उसको सीधा उसका गले पकड़ लिया पुलिस। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन से संविधान, कौन सी किताब में, कौन सी पुस्तक में लिखी है कि एक जेंट्स पुलिस एक लेडीज को आके हाथ उठा दे। जी हम लोग कंपनी के बाहर नारे लगा रहे थे कंपनी मालिक से बात करने के नाम की, तो वहाँ पहले PSC वाले आए, उन्होंने कुछ नहीं बोला, फिर पुलिस वाले आकर। कौन आया पहले? पेट्रोलिंग वाले। पेट्रोलिंग वाले कौन, पुलिस पेट्रोलिंग या कुछ? KIA के गुंडे। अच्छा ठीक है, तो उन्होंने फिर पुलिस वालों को बुला लिया, पुलिस वाले आए एकदम से हाथापाई से करने लगे, अच्छा, लोगों को मारने तोड़ने लगे, अच्छा, फिर गोलीबारी चलाई, हम लोगों ने भी थोड़ा अपना बचाव किया, वहाँ से भागना पड़ा। अच्छा, गोली चलाई उन्होंने पुलिस वालों ने या गुंडों ने? पुलिस वालों ने गोली चलाई। तो तुम पर चलाई या कैसे, मतलब हवाई फायर कर रहे थे, तो तुम वहाँ से निकल आए, तो हमारे लीडर पकड़े गए। अच्छा, नवदीप कौर तब पकड़ी गई, ठीक है। तो अब आप आगे क्या कर रहे हैं, मतलब उसके लिए? आगे जी उनको छुड़ाने का संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा।